जय हिंद। फ्यूचर ऑफ इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हिमांशु कुमार और इस वीडियो में अभी देख सकते हैं हम केएनसीएल रिसर्च एंड फाइनेंस सर्विसेज लिमिटेड कंपनी के बारे में बात करने जा रहे हैं। देखिए, पिछले दो दिनों से स्टॉक में अपर सर्किट लग रहा है। अपर सर्किट लगने का मतलब हुआ कि शेयर में शानदार तेजी देखने को मिलती है। तो सवाल है कि अपर सर्किट कितना समय तक लगा रह सकता है, ताकि यदि हम अपना प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं तो लेट ना करें। तो अपर सर्किट लगने के बाद क्या होता है कि उसके बाद कुछ दिन बाद फिर से लोअर सर्किट लग जाता है। तो जो लोग ये इंतजार करते रहते हैं कि और प्राइस ऊपर जाएगा और प्राइस ऊपर जाएगा, उसके बाद जब लोअर सर्किट लगता है ना तो प्राइस नीचे आने लगता है, तो फिर वो टेंशन हो जाता है। इसलिए बात जान लेना जरूरी है कि अपर सर्किट कितना लंबा समय तक लगा रह सकता है। अब देखिए, ये बात कोई 100% सत्य नहीं बता सकता कि अपर सर्किट जो लगा है वो कब तक चलेगा, लेकिन एक अनुमान लग जाता है कि ये अपर सर्किट कब तक रह सकते हैं। तो उसी अनुमान के मुताबिक मैं बताऊंगा कि आगे इस स्टॉक में आपको क्या करना है। उसके पहले एक बार यहाँ पर थोड़ा सा हम डिटेल ले लें। तो अभी देखेंगे अभी इस कंपनी का शेयर प्राइस, हालांकि फ्राइडे के दिन जब मार्केट ओपन था तो 0.50 पैसे के आसपास इसने मैंने क्लोजिंग दिया था, और देख सकते हैं कि एक दिन में तकरीबन 19% के आसपास से स्टॉक चढ़ा है। हालांकि यहीं पर यदि 6 मंथ में देखेंगे तो 6 मंथ में तकरीबन 34% के आसपास से स्टॉक टूटा भी है, और अभी 1 मंथ में देखें तो 1 मंथ में तकरीबन 6% के आसपास से स्टॉक में तेजी देखने को मिलने लगी है। और वहीं पर 1 सप्ताह की बात करें तो 1 सप्ताह में आप देख सकते हैं कि स्टॉक 11% के आसपास चढ़ा है, और जो तेजी आना शुरू हुआ यहाँ से, जैसे मैंने बताया 10 फरवरी के आसपास से देख सकते हैं स्टॉक में अपर सर्किट लगा और यहाँ पर स्टॉक चला था जो सीधे यहाँ पर पहुँच गया। तो शानदार तेजी अभी इस स्टॉक में देखने को मिल रही है। अब कुछ बातें हैं यहाँ पर मैं आपको एनसीएल रिसर्च एंड फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड कंपनी के बारे में बताते चल रहा हूँ। जैसे कि सबसे पहले कंपनी फाइनेंस के सेक्टर में डील करती है, और आपको जानकारी के लिए बता दूँ कि एक NBFC कंपनी है। NBFC यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, जो कि बैंक की तरह ही अपना काम करती है, लोन वगैरह देती है, और लोन के बेसिस पर इस कंपनी का कारोबार चलता है। अब फंडामेंटल के बारे में बात में देखेंगे, थोड़ा सा पहले यहाँ चार्ट पर समझ लेते हैं। देखिए, 1 साल का मैंने चार्ट यहाँ पर ओपन किया हुआ है, और यहाँ पर आप देखेंगे कि 1 साल से इस कंपनी का जो शेयर प्राइस लगातार नीचे की तरफ आ रहा था, आप देख सकते हैं कि ये प्राइस जो लगातार नीचे की तरफ आ रहा था, अब ये प्राइस यहाँ पर आप देखेंगे तो उठना शुरू हुआ है। अब सवाल ये कहाँ तक उठ कर आ सकता है, तो इसके लिए जो पहला इसका रेजिस्टेंस लेवल है, पहला रेजिस्टेंस लेवल तो यही है 0.60 पैसा के आसपास, जो इसको इजिली पार कर लेगा। दूसरा रेजिस्टेंस लेवल आएगा 80 पैसा यहाँ पर, और फिर तीसरा रेजिस्टेंस लेवल जो निकल कर सामने आएगा 1.20 रुपया। तो ये एक बहुत बड़ा मेजर रेजिस्टेंस का काम करेगा। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा यहाँ कि यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। यहाँ से प्राइस अगर यहाँ तक आता है तो आप अपना आधा शेयर बेच के निकल जाइएगा, आधा शेयर प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। बेच के निकलने का मतलब ये हुआ इंतजार ज़्यादा मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से प्राइस छूट कर यहाँ तक आ रहा है, तो ये एक बहुत बड़ी मूव यहाँ से देखेंगे तो यहाँ तक हो गई है। और इतना बड़ा मूव पेनी स्टॉक में, मतलब काफ़ी समय से प्राइस इतना निचले लेवल से उठकर यहाँ तक आया, तो इसके बाद थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग होगा, उसके बाद प्राइस नीचे आ सकता है। इसलिए यहाँ पर आपको ध्यान देना जरूरी है। अब आपको मैं कुछ चीज़ दिखा रहा हूँ यहाँ पर, जैसे देखेंगे तो इस कंपनी में जो यहाँ पर जो कंपनी के क्वार्टर के नतीजे आए, नतीजे तो काफ़ी शानदार आए हैं। आपको थोड़ा सा मैं यहाँ पर दिखाऊँ तो आप देखेंगे कंपनी के जो सेल्स हुए हैं दिसंबर क्वार्टर में 1.42 करोड़ के आसपास हुए, जो कि पिछले क्वार्टर में सिर्फ 1.03 करोड़ के आसपास थे, और उसके पहले सिर्फ 48 लाख के आसपास थे। यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं नंबर काफ़ी शानदार आए हैं। वहीं पर यदि प्रॉफिट की बात करें तो आप देखेंगे इस कंपनी का जो टोटल प्रॉफिट हुआ दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट में 72 लाख के आसपास हुआ, जो कि पिछले क्वार्टर में सिर्फ 24 लाख के आसपास था, और उसके पहले के क्वार्टर में निगेटिव में था, यानी कंपनी लॉस में थी। तो लॉस से रिकवर होकर कंपनी पॉजिटिव में आई, और कंपनी का जो प्रॉफिट है बढ़ते जा रहा है, ये भी काफ़ी कमाल की बात है। लेकिन चिंता देने वाली बात यह है कि कंपनी का जो कर्जा होता है, जिसको डेप्ट कहते हैं, तो डेप्ट देखेंगे इस बार इस कंपनी के क्वार्टर के जो रिजल्ट आए हैं, इसमें कंपनी का डेप्ट बढ़ते हुए दिखा है। जैसे कि आप देख सकते हैं इस बार डेप्ट बढ़कर 1 करोड़ के आसपास हो गया, जो कि पहले कुछ नहीं था। और सबसे टेंशन की बात है, कंपनी का जो फ्री कैश फ्लो पहले 32 करोड़ के आसपास था, कम होकर अब सिर्फ 4 करोड़ के आसपास रहेगा। ये एक निगेटिव पॉइंट इस स्टॉक में देखने को मिल रहा है। और दूसरा, यदि मैं आपको बताऊँ तो आपको तो पता है कि इस स्टॉक में जब आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप पाते हैं कि इस स्टॉक में प्रमोटर्स बिल्कुल नहीं है। जो भी है इस स्टॉक में सिर्फ पब्लिक के पास पूरा शेयर पड़ा हुआ है, मोटर्स इसमें बिल्कुल नहीं है। तो ये दो बातें थोड़ा सी निगेटिव लग रही है। जो लंबी अवधि के जो निवेशक हैं उनको इस बात को ध्यान में रखकर चलना होगा। बाकी ओवरऑल यदि फंडामेंटल की बात करें तो कंपनी के जो फंडामेंटल है, फंडामेंटल ओके हो गए, कोई खास बढ़िया नहीं। तकरीबन 50-55 करोड़ के आसपास कंपनी का मार्केट कैप है, तो इस लेवल की जो कंपनियाँ होती हैं उनका फंडामेंटल बहुत अच्छा नहीं होता है। उसके हिसाब से देखेंगे तो इसका जो ROE और ROCE ये दोनों पॉजिटिव है, काफ़ी कमाल की बात है। और बुक वैल्यू 1 से कम है, तो ये थोड़ा सा टेंशन देने वाली बात हो सकती है। लेकिन ये सब लंबी अवधि के जो निवेशक हैं, उनको ये सब बात ध्यान में रखना जरूरी है। बाकी जो शॉर्ट टर्म में सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग करना चाहते हैं, उनके लिए मैंने लेवल बता दिया है कि अभी इस स्टॉक का जब प्राइस आपको 1.20 रुपये के आसपास आते हुए दिखता है, तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। इसके लिए आपको पहले से तैयार रहना होगा, और उसके बाद हो सकता है कि स्टॉक में लोअर सर्किट लग जाए, तो आप इस बात को ध्यान में रखें। तो NCL रिसर्च के बारे में जो बातें मैंने बताई, मैं उम्मीद करता हूँ आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। मन में कोई सवाल है तो मुझे कमेंट में जरूर पूछे, मैं सबके कमेंट का रिप्लाई देता हूँ। पर्सनली मुझसे जुड़कर बातें करने के लिए आप मुझको इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।